आमतौर पर भजन संध्या तो आपने कई बार देखी और सुनी होगी, लेकिन हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं एक अनूठी भजन संध्या जहां भक्ति रस के साथ विवाह की खुशियां भी शामिल थी। इंदौर शहर के प्रसिद्ध भजन गायक बाबू राजौरिया, जो देश भर में कई स्थानों पर अपने मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दे चुके हैं, भजन सम्राट बाबू राजौरिया सुमधुर भजनों के गायक तो है ही, साथ ही इनमें और भी कई प्रतिभाएं शामिल है। बाबू राजौरिया फिल्मी दुनिया में भी अपना एक अलग मुकाम बना चुके हैं। इनके कार्यक्रम पेश करने का अंदाज कुछ अलग होता है। बीती रात नौलखा क्षेत्र के मंगल मूर्ति नगर में आयोजित भजन संध्या की बात ही कुछ और थी। ये भजन संध्या इस क्षेत्र में निवासरत गर्ग परिवार ने अपने यहाँ आयोजित मांगलिक कार्यक्रम के दौरान कराई थी, जहाँ लोग भक्ति रस के साथ विवाह की मस्ती में भी झूम रहे थे। डांस की मस्ती के साथ ही सुमधुर भजनों की पेशकश भी लगातार चलती रही, जहां भजन गायक बाबू राजौरिया ने अपने कई मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी। माँ के भजनों की मधुर पेशकश हो रही है और वहाँ माता रानी का आगमन ना हो, ऐसा भला कभी हो सकता है? भजनों के बीच महाकाली भी प्रकट हो गई। महाकाली के आगमन के साथ शेर पर सवार माता जगदम्बा का भी आगमन हुआ और भक्तों ने माता को ही नचा दिया। भजन संध्या के बीच फिल्मी कलाकारों का घूमर डांस भी काफी पसंद किया गया। इसके बाद भजनों का सिलसिला फिर शुरू हो गया।
भजन संध्या के पीछे बाल हनुमान ने भी काफी रंग जमाया। इसके साथ ही नंदी पर सवार भोलेनाथ और माता पार्वती भी भक्तों को दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। गौरतलब है कि बाबू राजौरिया पिछले 20 सालों से फिल्मी दुनिया में अनेक प्रसिद्ध फिल्में दे चुके हैं और अगले कुछ दिनों बाद इनकी एक और नई फिल्म रिलीज होने जा रही है जिसका नाम है नागमणि। होने जा रही है नागमणि, मेरी बरसों की साधना है, आप जरूर आइएगा। प्रसिद्ध भजन गायक बाबू राजौरिया की भजन मंडली में शामिल कलाकार धार्मिक किरदारों का जीवंत प्रदर्शन करते हैं। वहीं भजन गायक बाबू राजौरिया जब मधुर भजनों की तान छेड़ते हैं तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।